स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जिसमें बात करेंगे सेल्स परमेय से जुड़ी हुई कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। हमने पिछले कड़ी में जाना था सेल्स परमेय जो एक त्रिभुज में ए बी और ए सी, इन दोनों भुजाओं का जो खंड ए डी और बी डी बना था इनका अनुपात, और ए ई और इधर में ई सी दो खंडों का अनुपात आपस में बराबर था, इस बात को हमने सेल्स परमेय में जाना था। जो साइड का अनुपात आ रहा था मतलब ए डी का और बी डी का, तो ए डी से जुड़े हुए त्रिभुज जिनका क्षेत्रफल निकाला था और बी डी से जुड़े हुए त्रिभुज जिनका क्षेत्रफल निकाला था, और आधार बी डी को माना था यहाँ और यहाँ ए डी को माना था, उसी सेम इधर भी आधार ए ई को माना था और एक इधर में आधार ई सी को माना था, और दोनों आधार पे दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल के डिवाइड कर रहे थे जिनसे भुजाओं का अनुपात आया था, और रेखाएं समांतर थी डी और ये बी सी, तो दोनों समांतर रेखाओं में जो इसके अंतर्गत त्रिभुज बने थे उन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में क्या था, बराबर था। अगर यह शर्त नहीं रहता कि रेखाएं समांतर है तो फिर यह कभी पॉसिबल नहीं था। तो रेखाएं समांतर कह के इन्हें प्रूफ किया गया जो ए बी और ए सी के दो दो खंडों का अनुपात था वो आपस में बराबर था। यहाँ से जुड़ी हुई जो बात है वो ध्यान रखिएगा, when जब ये पैरेलल था देन आपने देखा था ए डी बटे डी बी बराबर ए बटे, इस बात को आपने जाना था। यहां से चलते हैं, इसी चीज को उठाते हैं दोनों साइड वन ऐड कर देते हैं, देन क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज ए डी अपॉन डी बी प्लस वन इक्वल्स ए अपॉन ई सी प्लस वन। अगर डी बी का एलसीएम ले ली जाए तो कुछ ऐसा ए डी प्लस डी बी अपॉन डी बी इक्वल्स, इधर भी एलसीएम ई सी का तो कुछ इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा वन से, और ये कुछ ऐसा बन जाएगा ए डी और डी बी। ये देखिए ये है क्या, आप अगर इन्हें केयर करेंगे तो ये ए बी नजर आएगा, दोनों को अगर आप प्लस करेंगे ए डी को डी बी में तो क्या बनेगा, ए बी बनेगा, तो यहाँ पे कुछ ए बी लिखा जा सकता है और नीचे में डी बी लिखा जा सकता है और इधर में ए ई और ई सी दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ए सी, इधर में बनेगा ई सी। ये आपने यहां पे पाया कि ए बी और इधर में ए सी, ये रहा ए सी और डी बी, ये रहा और ई सी, ये रहा, मतलब आप अगर इन दोनों खंडों का अनुपात बराबर ले रखा है
तो आप कुछ इन दोनों खंडों के अनुपात से एक बड़ा साइड ए बी और इधर का बड़ा साइड ए सी और इधर का बी डी और इधर का ई सी ले सकते हैं। यहाँ था टुकड़ा बाई टुकड़ा था, खंड बाई खंड था, और यहाँ पे एक पूरा साइड है और बट्टे एक खंड है जो नीचे वाला है, और यहाँ भी एक साइड है पूरा और जो बट्टे में एक नीचे वाला खंड है ना। तो इन बात को ध्यान रखना यहाँ से। अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर ऐसा कुछ कहा जाए यही चीज AD अपॉन DB बराबर AE इक्वल्स DC, तो यहां इनको पलट देते हैं तो क्या हो जाएगा, रिवर्स अगर कर दी जाए कुछ ऐसा हो जाएगा और इधर कुछ ऐसा हो जाएगा। अब दोनों साइड वन जोड़ देते हैं, ऐसा करने से क्या मिलेगा, ये एडी इधर आ जाएगा, वन से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो डीबी प्लस एडी बट्टे एडी बराबर ए सी प्लस कौन ए, ये देखना डीबी प्लस एडी को आप जोड़ेंगे तो फर्दर ए बी मिल जाएगा और ए डी और इधर में ए प्लस ई सी को जोड़ेंगे तो ए सी पाएंगे। और आपने यहाँ पे एक बात फील किया होगा, जो साइड ए बी जब ले रहे थे तो साइड ए सी आया उसके सामने, और यहाँ पे ये नीचे वाला पार्ट दिख रहा था दोनों में, और इस वाले में ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है AD और यहाँ AE। तो अगर आप बड़ा साइड लेते हो तो ऊपर का एक और इधर भी, और जब आप बड़ा साइड लेते हो और नीचे का लेते हो तो दोनों में बड़ा साइड और दोनों में नीचे का, मतलब इधर का अगर नीचे रखेंगे तो इसके सामने नीचे रखेंगे, अगर यहाँ ऊपर रखेंगे तो यहाँ भी इसके सामने ऊपर रखेंगे। तो ये कुछ ऐसा आपको, हाँ यहाँ से प्रॉब्लम पूछ ली जाती है कि जब आपको रेखा समांतर दे दिया है तो यहाँ पर ये कुछ एक्स माइनस टू एक्स ऐसा कुछ करके दे देगा, तो आपको कह देगा एक्स की वैल्यू पता करें, या फिर कह देगा कि ये रेशियो इन दोनों का और इनका और इनका बराबर है, तो अनुपात बराबर दे देगा तो कहेगा समांतर चेक करें। अगर ऐसा किसी भी टाइप का प्रॉब्लम आता है तो आप इस रिजल्ट को यूज करेंगे। इतनी सारी बात को ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।